जुड़े का मतलब क्या होता है? तो देख, कभी भी किसी को भी तुम उधार में माल वगैरह दोगे, पर तो उसके तुम क्या करोगे, क्रेडिट पीरियड उसको दोगे कि इतने टाइम पे ना तेरे को क्या करना है, पेमेंट कर देना, ठीक है। सपोज समझ लो कि तुमने क्या करा, उसको 3 महीने की क्रेडिट पॉलिसी, 3 महीने के लिए तुमने माल उसको उधार दिया है, तो 3 महीने कंप्लीट होंगे ना, तो उसके बाद तुम 3 दिन उसको एक्स्ट्रा के दोगे, समझ लें। वो 3 दिन जो तुम एक्स्ट्रा के दोगे उसको क्या बोलते हैं, ड्यू डेट कहते हैं। पर तो अभी हमारे को यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट तेरे को फाइंड करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 हैगा, बराबर है, तो देख क्या बोला हुआ है, राज सोल्ड गुड्स टू रीत एज अ डिटेल बिल। राज ने क्या करा हुआ है, रीत को ये तारीख के दिन इतने इतने रुपए का क्या करा हुआ है, माल वगैरह दिया है, बरोबर है, उसके बारे में तेरे को इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद देख तेरे को क्या बोला हुआ है, द पेमेंट वेर एग्री टू बी मेड बाय बिल्स पेबल 90 डे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डेट ऑफ द इनवॉइस। इनवॉइस के 90 दिन के अंदर, 90 दिन के बाद उसको क्या करना है, बिल्स पेएबल उसको दे देना है, मतलब के पेमेंट वगैरह उसको कर देना है। देख बिल है कौन सी तारीख का, 5-5 का आएगा, उसका अंदर क्या करने का, अपने को 90 दिन को ऐड करने का, 90 दिन क्या करने के, ऐड करने के, 90 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आएगी उसका तब 3 दिन एक्स्ट्रा के ऐड करके देंगे, ठीक है। तो उसके लिए तेरे को याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, तो भाई जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी के अंदर 28 डेज होते हैं, अगर तेरा लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब क्या, तो भाई 4 का टेबल याद रखने का, 2004, 2008, 2012, 2016 एंड 2020, अगर ये वाला साल है तो फरवरी के अंदर 29 दिन आएंगे, बराबर है, मार्च में 31 दिन, बराबर है, अगर याद ना रहे तो इस तरीके से याद रखने का, ऊपर आवे मतलब 31, नीचे आवे मतलब के 30, फरवरी में 28, लीप ईयर हो गए तो 29, जनवरी 31, फरवरी 28 और 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त 31, बराबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ऊपर आया मतलब 31, नीचे आया मतलब 30, या फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। अगर तुम्हारे को नहीं आता है, शाम को 4 से 6 में वो जो भी होता है जूनियर केजी सीनियर केजी के क्लास चलते हैं, तो वहाँ पर जो आ सकता, बराबर, मैं बात कर लूँगा तो तुम्हारे को 50% डिस्काउंट दे देंगे। चलो देख, तब हम लोग क्या करें, देख अब हम लोग क्या करेंगे, सेम स्टार्ट करेंगे, 5/5/2020 है, 90 दिन हमारे को ऐड करने हैं। तो देख सबसे पहले हम लोग सब डेट डिसाइड कर लेते, देख नीचे वर्किंग तेरे को दिया आएगा, ठीक है, नीचे सबसे लास्ट में वर्किंग दिया आएगा, हम करेंगे क्या, तो जितनी भी डेटा है 5/5/12/5/19/5/26/5/1/6/3/6 उसको हम लोग क्या करेंगे, उठा के लिख देंगे, बरे अपरों क्या करना है, 30 दिन, 90 दिन ऐड करना है, तो बाजू में 90 डेज कर दिया, सही है, ध्यान से सुनियो। देख मई के अंदर पहले, सबसे पहले तेरा महीना कौन सा आएगा, 5/5 है, मतलब पाँचवा महीना मतलब के मई है, मई के अंदर 31 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 31 डे हो, बरे 5 तारीख तो आ गई है कि ना, तो 31 में से 5 निकाल डाल तो कितने हो गए, 26 डे बचा, बरे अब हमारे क्या करने का, डेज लिखते जाने के, ने कैलसी के अंदर क्या करते जाने का, काउंट भी करते जाने का, पर हमारे को 90 दिन चाहिए, पर हमारे डेज अभी हुए कितने, 26 हुए, पर अच्छा इसके बाद आता है जून, तो जून के कितने दिन होते हैं, 30, तो जून के 30 दिन में ऐड कर दूंगा तो 56 हो जाएगा, फिर क्या आता है जुलाई, तो जुलाई के 31 दिन में ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अब मेरे को तो कितने दिन अब चाहिए, 3 दिन बचे ना, तो क्या करूँगा, अगस्त में 3 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, मतलब कि 90 दिन 3 अगस्त के दिन खत्म होते हैं, कब खत्म होते हैं, मैं क्या करूँगा उसको एक्स्ट्रा के भी 3 दिन दूंगा, बरे तो देख बाजू में आएगा 6 अगस्त तेरी क्या हो गई, ड्यू डेट हो गई, बरे उसी तरीके से दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 12/5 है,
अब पांचवे महीने में तो 31 दिन होते हैं, तो 31 में से 5-12 चले जाएंगे तो 19 दिन बचेंगे। बस तो फिर से कल से मैं करूँगा कि भाई मई के कितने दिन, 19 दिन, जून के 30, जुलाई के 31, बरबर 80 दिन हो गए। अब कितने दिन बचे, 10, तो अगस्त के 10 दिन, 10 अगस्त हो गई, बरबर 3 दिन क्या करूँगा एक्स्ट्रा के ऐड कर दूंगा तो 13 अगस्त हो जाएगी। बरे सेम एज नीचे के भी सबका हम लोग वर्किंग करेंगे। बरबर अभी तुम लोग FI बीकॉम में हो, कोई जूनियर के जी सीनियर के जी के बच्चे नहीं हो कि डेटों के ऊपर हम लोग 2-2 कलाक तक डिस्कस कर रहे आएगा ना। बरबर अध्यक्ष ये जो सर तेरे को डेट आई, देखिए वर्किंग अपनों ने कर दिया। अधिक ओरिजिनल जो तेरा क्वेश्चन है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन, क्वेश्चन में देख तेरे को डेट ऑफ इनवॉइस दिया है, ने वैल्यू ऑफ अ गुड सोल्ड दिया है, ये दोनों दो को देख हम लोग क्या करेंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे। बरोबर है, क्वेश्चन के बरोबर नीचे जो टेबल है ना वहां पर देख हम लोग क्या करेंगे दोनों दो को कॉपी पेस्ट कर देंगे। दो कॉलम कॉपी पेस्ट कर दिया, थर्ड नंबर का कॉलम ड्यू डेट है, ये ड्यू डेट अभी जब हम लोग ने वर्किंग किया ना, बर 6 अगस्त, 13 अगस्त, 20 अगस्त, वो उठा के यहाँ पर जो हमारे को कॉपी पेस्ट कर देने का। बरोबर है, आप ध्यान से सुनियो, ये जो तेरी ड्यू डेट है, सुनियो, ये जो तेरी ड्यू डेट है, ये सब ड्यू डेट के अंदर से सबसे पहली ड्यू डेट कौन सी आती है, सबसे पहले नंबर पे नहीं, डेट के हिसाब से सबसे पहले पे कौन सी आती है, 6-8 आती है। मैं रिपीट करता हूँ, मैं पहले नंबर वाली डेट की बात नहीं करता, मैं 6 अगस्त सबसे पहले आती उसकी बात करता हूँ। अभी सबो समझ ले, जो 27 अगस्त है अगर उसके बदले 7 अगस्त होती ना तो तेरी पहले कौन सी आती, 7 अगस्त। सर बड़ी, तो हम लोग क्या करने का, जो सबसे पहले आवे उसके बाजू में नील लिख देने का, क्या लिख देने का, नील। देख अभी अपने क्वेश्चन के हिसाब से 6-8 पहले आई तो 6-8 के बाजू में अपनों ने क्या कर दिया, नील लिख दिया। समझ ले कि अगर 27 अगस्त है अगर उसके बदले 7 अगस्त होता तो 7 अगस्त के बाजू में मैं नील लिख देता। पढ़ी ना, बरोबर है। अब करने का क्या, जहां पे तूने नील लिखा ना वहां से लेके बाकी की ड्यू डेट तक तेरे को जाने का। देख अभी हमारे क्वेश्चन में हमने नील 6 अगस्त को लिखा है तो 6 अगस्त से हम 13 अगस्त तक जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 दिन। 6 अगस्त को नहीं गिनने का, 7 से गिनने का, हाँ 13 को गिनने का। सारे बड़ी, इसके बाद आता है 20 अगस्त, तो मैं क्या करूँगा 6 अगस्त से 20 अगस्त तक जाऊँगा, 7, 8, 9, 10, 4 दिन हुए ने 20 से 30 तक, अरे 10 से 20 तक जाऊँगा तो 10 दिन आ जाएंगे ना, 14 दिन होंगे ना, आएगा ना वो तो काउंट कर दे कि गिनाओ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 काउंट कर, 14 दिन होंगे। फिर क्या करूँगा 6 अगस्त से 27 अगस्त तक, 6 अगस्त से 2-9 तक, 6 अगस्त से 4-9 तक, सब डेज मिल जाएंगे। आप ध्यान से सुन, अब क्या करोगे, देख आप ध्यान से सुन, दूसरे नंबर का कॉलम एंड चौथे नंबर का कॉलम दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, 4000 मल्टीप्लाई बाई नील तो नील आ जाएगा, 2500 मल्टीप्लाई बाई 7, 3500 मल्टीप्लाई बाई 14, सब वो सबका मल्टीप्लाई कर डालेगा। बर तो तेरे को आंसर टोटल करेंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा, 2467650 आ जाएगा। बर आज एक तेरे को करने का क्या, ध्यान से सुनिए, देख इसके नीचे दिया है नंबर ऑफ डे ऑफ द एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दिन के बाद तेरी एवरेज ड्यू डेट होगी वो तेरे को ढूंढना है, तो क्या करने का, पांचवें नंबर के कॉलम का टोटल कर दे, 2467650 आएगा, उसको डिवाइड कितने से करना है दूसरे नंबर के कॉलम के टोटल के साथ, तो तेरा आंसर आया कितना, 14 दिन।
अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट से 14 दिन के बाद तेरी क्या है कि एवरेज ड्यू डेट है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जिसके सामने तूने नील लिखा, नील किसके सामने लिखा 6/8/2020, तो उसके अंदर 14 दिन ऐड कर देने के, तो 6/8 = 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14 दिन में कौन सी तारीख आती है 20/8 आता है, 20 अगस्त आता है ना, तो 20 अगस्त 2020 ये तेरी क्या हुई एवरेज ड्यू डेट हुई। आएगा बराबर है। एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर वन जो था वहां पे तेरे को डेज दिया था, एग्जाम्पल नंबर टू है वहां पे मंथ दिया आएगा, ठीक है। देख अपने क्या करने का, अपने दुआ करने की मंथ वाला जावे, बराबर है। देखिए कितना पर इजी पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। हम लोग करते क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्यू डेट ढूंढ लेंगे, बराबर है। जबकि ये लोग ने ड्यू डेट का वर्किंग नहीं दिया है, बराबर है, ड्यू डेट का वर्किंग सॉल्यूशन के अंदर नहीं है, बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट दूसरे नंबर का टेबल बनाते हैं। तो देख दूसरे नंबर के टेबल के अंदर हम लोग करते क्या है, जो डेट दी है, जो अमाउंट दिया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बराबर है। देख इन्होंने डेट और अमाउंट को देख कॉपी पेस्ट किया, बराबर। भले ये लोग ने पहले नंबर पे डेट और चौथे नंबर के ऊपर अमाउंट लिखी है, हमारे क्या करने का, सब में कंसिस्टेंसी रखने की, पहले पे डेट आ जाएगी, दूसरे पे अमाउंट आ जाएगी, ये तीसरे पे ड्यू डेट लिखेंगे, सही है। तो देख यहाँ पे तेरा ड्यू डेट भले ये लोग ने सेकंड नंबर पे लिखा है, हम लिखेंगे थर्ड नंबर पे, सही है। पर अभी देखियो सेकंड नंबर के अंदर ड्यू डेट, ध्यान से सुनियो। देख एक एग्जाम्पल डे वाला करा, अभी एग्जाम्पल देख रहे मंथ वाला, ध्यान से सुनियो। देख क्वेश्चन में देखियो, पहले नंबर की डेट 2/10/2019 दी है, बरे बाजू में कितने मंथ बोले हैं, 3 मंथ बोले। अच्छा हमारा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कितने भी दिन बोले, कितने भी मंथ बोले, 3 दिन हम लोग ऐड कर देंगे, डेढ़ में कितने दिन ऐड कर देंगे, 3 दिन ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3 दिन ऐड कर देता हूँ, तारीख है कौन सी 2, 3 दिन ऐड कर दूंगा तो 5 हो जाएगी, महीने तो होगा वही देगा ना, 5-10 हो जाएगी। अच्छा ये लोग कितने महीने ऐड करने की बात कर रहे, 3 महीना, 10वां महीना है, 3 महीने ऐड कर दे, 11वां महीना, 12वां महीना, पहला महीना, तारीख मेरी 5, महीना मेरा हो गया पहला। अच्छा 12वें महीने के बाद हम लोग पहले महीने पे गए ना, तो 2019 का साल तो खत्म हो जाएगा, साल हो जाएगा 2019 बड़ी। इसके बाद आता है 20/10, 3 दिन ऐड कर दूंगा, 3 दिन तो मेरे फिक्स है, तो 23/10 हो जाएगी, कितने महीने ऐड करने के, 2 महीने, तो 23/11, 23/12 हो जाएगी, साल तो वो का वही देगा, 23/12/2019। इसके बाद आता है 10/11, तो 3 दिन ऐड करूंगा तो 13/11, कितने महीने ऐड करने के, 3 महीने, तो 13/1/2020 आ जाएगा, 2 महीने का, 3 महीने, तो 11वां है तो 12वां होगा, 13/2 दूसरा होगा, 13/2/2020 हो जाएगा। 27/11 है, 3 महीने ऐड करने, तो 3 दिन ऐड कर दूंगा, तो 27/3, तो 30/11 हो जाएगा, 3 महीने ऐड कर दूंगा, तो 12/1/2 बस। जबकि फेब्रुआरी के अंदर तो 30 तारीख होती नहीं है। अच्छा कौन सा आएगा, ये लीप ईयर, तो लीप ईयर के अंदर 2020 है, तो 2020 में तो कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं फेब्रुआरी के, तुम्हारे हिसाब से 30 फेब्रुआरी होती है, जबकि 30 फेब्रुआरी तो एक्चुअली में होती नहीं है, तो 29 के बाद कौन सा आएगा, 1 मार्च। देख 1 मार्च है, सही है। अच्छा अगर 2020 का साल नहीं होता, लीप ईयर नहीं होता, तो 28 दिन होता, जबकि अपने हिसाब से 30 तारीख आती है, मतलब 29 से 30, दूसरे 2 दिन बचते हैं ना, तो 1 मार्च से 2 मार्च, तेरा आंसर आता 2 मार्च, पढ़ी बराबर है। उसके बाद तेरा आता है 8/12, 3 दिन ऐड कर दूंगा तो 11/12, 1 महीना ऐड करूंगा तो 11/1/2020।
इसके बाद आ जाए 16-12 दो महीने एड करने के, तो 3 दिन एड कर दूंगा तो 19 आ जाएगा। 12वें महीने के अंदर 2 महीने एड करूंगा तो पहला महीना दूसरा महीना, बराबर है, तो 19 फेब 2020। देख ड्यू डेट मिल गई। अच्छा ड्यू डेट के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले वाली ड्यू डेट कौन सी, तो ये सब में देख कौन सी आती है सबसे पहले, 23/12/2019 वाली आती है ना, कौन सी आती है 23/12/2019, उसके सामने नहीं लिख दूंगा। जब वहाँ से सब तक जाऊँगा मैं क्या करूँगा, काउंट करूँगा, डेज वगैरह मिलेंगे, ये डेज को क्या करने का, अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करने का, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में करा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फर्क क्या था, 190 डेज तेरे को दे ले या मंथ दे दिया है, बाकी सब सेम टू सेम है का, ठीक है। उसी तरीके से देख क्वेश्चन नंबर 3, बराबर है, क्वेश्चन नंबर 3 भी मंथ वाला है, आएगा सेम टू सेम अच करना है, कुछ करना नहीं है का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो देख क्वेश्चन नंबर 4 देख, सुनियो ध्यान से, एक्स ओ वाई द फॉलोइंग सम्स ऑफ मनी ड्यू ऑन द डेट, मतलब ड्यू डेट ऑलरेडी तेरे को दे दी सर बड़ी, क्या दे दिया है, ड्यू डेट तेरे को दे दी है, तो ड्यू डेट दे दे, डायरेक्ट लगा दो सर बड़ी। अभी तक हम लोग ड्यू डेट काउंट करते थे, 14 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ड्यू डेट तेरे को ऑलरेडी दे दी, तो वो वर्किंग तेरा एक बच गया ना, बराबर, डायरेक्ट क्या करने का, मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह कर डालने का, ये तेरा आंसर आ जाएगा। 4 नंबर तक सम कंप्लीट करो, 5वें नंबर के सम से फिर मैं करवाता हूँ।